नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में एक प्राइवेट चिकित्सालय में लापरवाही के भेंट चढ़ी एक गर्भवती महिला। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र जय श्री श्याम हॉस्पिटल में रूबी नामक एक महिला के उपचार के दौरान हुई मौत। परिवारी जनों ने लगाया हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। वह हॉस्पिटल कर्मियों पर भी परिवारी जनों ने आरोप लगाया और हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोप है कि रूबी उम्र 21 वर्ष पत्नी हरिश्चंद्र निवासी जैतपुर कला थाना महिला को थाना रसूलपुर क्षेत्र टूटी पुलिया के पास जय श्री श्याम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अस्पताल में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में अस्पताल के एक कंपाउंडर ने गर्भवती महिला को कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण महिला की हालत बिगड़ती चली गई। जब परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहा तो उनसे बोला गया कि कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में महिला की मृत्यु हो गई। परिवारी जनों का कहना है कि जब हमने अस्पताल में रूबी को भर्ती कराया था तब उसमें थोड़ी सी ब्लड की कमी थी और कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से हुआ है। अतः हम चाहते हैं कि अस्पताल कर्मियों पर कठोर कार्यवाही की जाए और अस्पताल को बंद कराया जाए, जिससे आगे चलकर किसी के साथ ऐसी अनहोनी घटना ना घटे। अब देखना होगा कि आरोपी कर्मचारी और अस्पताल के विरुद्ध पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आखिर क्या कार्यवाही की जाएगी। भैया आपका बीकेश कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला हुआ, किस तरह घटना हुई है? जैसा हुआ था कि यहाँ पर हमारे मामा जी ने भर्ती कराई थी, और यहाँ पर मैं भी आया था, पर मतलब जब डॉक्टर मतलब जब उसको पेट में दर्द बता रही थी तो मैंने कहा भी था उनसे, तो वो जो यहाँ पर कंपाउंडर रहते हैं और डॉक्टर तो खैर यहाँ पर है ही नहीं है, उनके पास फ़ोन भी कराया था पर उनने कोई मतलब ना तो फ़ोन उठाया ना मतलब कोई बोली, और उनकी मतलब जो कंपाउंडर थे उनकी लापरवाही थी, अपनी मर्जी से दवाई चला रहे थे। जो कह रहे थे हमें तो 16 साल से हम कृषि शरीर का उन्होंने डॉक्टरी करी और मतलब रात के समय पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया है, उसी मतलब जीव गड़बड़ हुई। क्या लगता है किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही, सभी जो फोन उठाते कोई बात है आपके मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज है तो मरीज को देखना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना होगा कि मतलब तुम लापरवाही दोगे तो ऐसे कौन आ जाएगा। कितनी उम्र थी लड़की की? 21 साल होती। शादी हुए कितना समय हो गया? शादी समय 2 साल हो गए। आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह। कहाँ रहते हैं आप? रूदो मस्ती के फोन लाख हो जाओ। क्या मामला हुआ है, किस तरह की घटना हुई है? घटना है हमने लड़की भेजी थी, हाँ, उसके बाद फिरोजाबाद माँ हैदराबाद से और जांच पांच कराई और वहाँ से यहाँ ला के भर्ती कर दिया। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल है ये? कौन सा हॉस्पिटल है? जय श्री श्याम। श्याम क्या हुआ यहाँ पे फिर? और लड़की लापरवाही हुई है, डॉक्टर ने कभी एक बार इंजेक्शन को लगा दिया, उसके बाद क्या लड़की प्रेग्नेंट थी, क्या मामला था, किस तरह का? हाँ, कितने महीने से प्रेग्नेंट है वो? 7 महीने। किन की लापरवाही मानते हैं आप? डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। हमने कल शादी में थी कल शादी से आई है वो, हम भी शादी में कल साथ, लड़की भी साथ में शादी में। क्या नाम था लड़की का? रूबी। इनके हस्बैंड का नाम क्या था? वो हरिचंद। मनीराम जी, क्या मामला हुआ, किस तरह घटना हुई है? हमारी तो भैया हमारे यहाँ से बहू शादी में आई थी, हाँ, तो हमको ये मालूम नहीं है कि मतलब क्या हुआ है। ये हैदराबाद ले गए थे, जाँच कराई थी, जाँच कराने के बाद मैंने बोला कि बेटा घर पे ले आओ जो कुछ पैसा लगेगा हम घर से लेके चल रहे, आगरा ले चलेंगे। तो मतलब वो इधर ही को लेके आ गया है, मेरी उसमें कोई मतलब मालूम आ गया। कौन से हॉस्पिटल में लेके आ गया? कौन सा हॉस्पिटल है ये? मेरे को मालूम भी नहीं था ये कौन सा हॉस्पिटल है, हमको पूछ पूछ के आए थे जय श्री, ये कौन सा हॉस्पिटल है। आप कहाँ रहते हो? हम नंदगवा रहते हैं। नरगमा? नंदगवा। कहाँ पे पड़ता है ये? जैतपुर थाना खेड़ा है, आगरा जिला। अरे तो क्या घटना हुई है फिर बच्ची के साथ में? हमारे बच्ची के साथ में यही घटना हुई है, हमारे साथ में तो कोई वहाँ पे घर पे थे नहीं, ये शादी में आए थे इधर, तो यहाँ से कोई तकलीफ नहीं, फतियाबाद ले गए, उन्होंने जांच कराई, जांच कराने बाद उन्होंने फ़ोन हमको किया हमारे लड़के ने कि पापा ऐसी ऐसी बात है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं बेटा तुम घर पर ले के आओ
हम उनको ले चलेंगे आगरा, तो उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो इधर को लेके चले आए, इधर को लेके चले आए तो शाम को हमको फोन भेज दिया, तो हम पैसा का बंदोबस्त करे से करके लाए, उनको ब्रेड ला के दिया, सब काम किया है। और फिर मैं शाम को ये भी बोल गया था कि देखो मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, पैसे कम पड़ेंगे तो हम घर पर जा रहे हैं, तब तक तुम यहाँ देखभाल करना। बाकी तो यही बात हो जो बात है, हमने हकीकत बता दी। सर आज एक अस्पताल प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी उसमें? अभी ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लगाया कि एक महिला की मौत कोई श्री श्याम हॉस्पिटल है उसमें हुई है, ये पंजीकरण हमारे यहाँ इसका नहीं है, कोई अभी इसका आवेदन प्राप्त हुआ है, अभी इसके निरीक्षण करने के बाद पूरे देखेंगे कि ये वैध है या अवैध है हॉस्पिटल, उसके अनुसार यदि अवैध है तो कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? अवैध कई बार इस अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है महिलाओं की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, मेरे संज्ञान में इस हॉस्पिटल में पहला ही मामला आया है और इस पर निश्चित कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी यदि पंजीकृत नहीं है तो। सर इससे पहले कुछ पूर्व में एक और मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ? नहीं, इसका मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक,